लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और जिसके चलते बच्चों में जो है काफ़ी खुशी जो है इस समय देखी जा रही है। और इस समय स्कूल में जो बच्चे जो हैं वो थिरकते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्योंकि काफ़ी इंतज़ार जो है इस बार 12वीं कक्षा के छात्रों को करना पड़ा और अब आज जब रिजल्ट घोषित हुआ तो बच्चों के चेहरों पर जो खुशी है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। इस समय ये तमाम छात्र और छात्राएं हैं जिनका रिजल्ट जो है घोषित हुआ है और घोषित होने पर सभी जो है थिरकते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी जो मेहनत जो है वो बच्चों ने की थी और उस मेहनत का जो फल है अब इन छात्रों को मिला है और अच्छे अंक से जो जो उम्मीदें इन छात्रों ने की थी उन्हीं उम्मीदों के आधार पर इनके अच्छे प्रतिशत जो है नंबर आए हैं जिसका कारण जो है बच्चों के चेहरों पर खुशी जो है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। ये स्कूल का नज़ारा है जहां पर तमाम जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया है वो खुशी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आप थिरक रहे हैं गानों पर, क्या कहना चाहेंगे आज रिजल्ट को लेकर? मेरा नाम आरुषि वर्मा है, मैंने 95% स्कोर करे हैं और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस रिज़ल्ट से। मैंने 90+ तो एक्सपेक्ट करे थे, 95 मेरे आगे, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मैं इस रिज़ल्ट के लिए पूरी GAV फैमिली को थैंक यू करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इतना स्कोर कर पाई। आगे का क्या सपना आपका? मुझे BCOM ऑनर्स करना है। देखिए बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मिठाइयों के साथ जो है एक दूसरे बच्चों को जो है यहाँ पर मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही हैं क्योंकि इन सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है जिसको लेकर के तमाम बच्चे जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। किस तरह का रिजल्ट देख रहे हो? देखिए बिल्कुल काफ़ी खुशी है, क्या कहेंगे बताओ? बहुत खुशी हो रही है और हम बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे रिजल्ट को, मिठाइयाँ वगैरह खिला रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट के लिए। उम्मीदों पर रिजल्ट आया है आपकी? हाँ, हमारा रिज़ल्ट उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा आया और टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट करा है और हमारा रिज़ल्ट उसके कारण बहुत अच्छा आया है। कितने परसेंट नंबर आया? मेरे 97% आए हैं। क्या सोचा था आपने? मैंने 90+ सोचा था पर 97 से अच्छे आए हैं। और भी अच्छे हैं, क्या कहेंगे आज के रिजल्ट को देखते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं थी फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे की क्या प्लानिंग, आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे आगे डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है। कितने परसेंट नंबर आपके आए हैं और क्या उम्मीदें थी आपको? मेरे 90+ आए हैं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेडिकल स्ट्रीम थोड़ा टफ होता है बट फिर भी इतनी परसेंटेज आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। GAV फैमिली को थैंक यू बोलूँगी। आज से आपकी स्कूल लाइफ भी जर्नी जो है वो समाप्त हो चुकी है, कॉलेज लाइफ में जाना है, कैसा देखते हैं क्या करेंगे अब आप और किस तरह का रिजल्ट आपका भी आया? रिजल्ट अच्छा है, 90% है और स्कूल लाइफ ख़त्म हो रही है उसके लिए दुख हो रहा है बट कॉलेज लाइफ के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए बिल्कुल तमाम बच्चों में एक्साइटेड भी है, अब कॉलेज लाइफ शुरू हो गई है, किस तरह का रिजल्ट? मतलब मेरा रिज़ल्ट 85%+ आया है, हमें उम्मीद थी थोड़ा और अच्छा था बट हम अपने मेहनत पे आ गए हैं और जैसे कॉलेज का लिखा है मुझे BCOM ऑनर्स करना है, इसके लिए मैं अपनी बहुत मेहनत कर रहा हूँ और कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे। देखिए बिल्कुल तमाम बच्चे हैं जो कि अपने रिजल्ट को देखकर काफ़ी खुश हुए हैं। हमारे साथ इस समय प्रदीप कौशिक भी हैं जो GAV स्कूल के चेयरमैन हैं। इस क्या देखते हैं इस बार का रिजल्ट और कितनी उम्मीदों पर आपके भी कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये रिजल्ट? देखो रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, मतलब कोरोना जैसी बड़ी बीमारी के बाद 2 साल के बाद पूरी पहली बार फुल फ्लैश पेपर हुए और उसके बाद यदि आपके बच्चे तीनों स्ट्रीम में 95%+ जाते हैं तो एक स्कूल वाले के लिए इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता। आज जब पूरे साल की मेहनत, पहले आप 12वीं का रिजल्ट आया साथ साथ 10th का रिजल्ट डाउनलोड हो गया है, मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात, इससे बढ़िया बात कि सारे पेरेंट्स को शुभकामनाएँ, सारे बच्चों को शुभकामनाएँ और अब ये बच्चे जब अलग अलग स्ट्रीम में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग स्कूल कॉलेज में और अलग अलग शहरों में GAV के नाम के झंडे गाड़ेंगे तो ये चीज़ अलग ही तरीके से दिखाई जाएगी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बच्चे हाथ रखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देखो बच्चों के सबसे बड़ी बात ये है, ये वो बच्चे हैं प्लस टू के जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और जब आज इनका इतना बड़ा रिजल्ट आया है तो पक्की बात है कि रिजल्ट के नाम पे तो बच्चा नाचता है, अभिभावक भी नाचते हैं और स्कूल संचालक होने के नाते आपने मेरे को भी नाचने का मौका दे दिया। देखिए बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इस समय तमाम जो बच्चे हैं वो थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो है स्कूल के चेयरमैन
और प्रिंसिपल भी जो है यहाँ पर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें छात्र छात्राओं की हैं। आज 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है, जिसके चलते छात्रों के चेहरों पर जो है खुशी दिखाई दे रही है। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।